हेलो दोस्तों, तो यार आ चुके एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पबजी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि पबजी इंडिया में बैन हो चुका है। लगभग 50 से 55 दिन हो चुके हैं कि पबजी इंडिया में बैन हो चुका है। हालांकि ये मोबाइल में अभी तक चल रहा है, मतलब इसके जो सर्वर है वो अभी तक काम कर रहे हैं, उसको बंद नहीं किया गया है। लेकिन पबजी ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से हट चुका है और पबजी के अनबैन के बारे में अभी तक पबजी कॉरपोरेशन से कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। लेकिन दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी न्यूज़ बताने जा रहा हूँ जो सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, पबजी के अनबैन के बारे में एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि पबजी इंडिया में कब तक अनबैन होगा, उसकी ऑफिशियल डेट मैं आपको बताऊँगा और वो भी विद प्रूफ के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों पबजी कॉरपोरेशन से एक लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिससे पूरे आसार बन जाते हैं कि पबजी मोबाइल इंडिया में जल्दी वापस आ जाएगा। क्या है वो लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों लिंक्डइन इस वेबसाइट पर पबजी की तरफ से एक जॉब सामने निकल के आ रहा है और ये जॉब है कॉरपोरेट डेवलपमेंट डिवीज़न मैनेजर का, और ये जो जॉब है वो इंडिया के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब इंडिया के लिए है। अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सपोर्ट द सेटअप प्रोसेस पबजी इंडिया विद गाइडेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर। मतलब दोस्तों ये है कि पबजी कॉरपोरेशन इंडिया में अपना एक नया सेटअप बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पबजी ने इंडिया के लिए टेंसेंट कंपनी से नाता तोड़ दिया था, इसलिए पबजी कॉरपोरेशन इंडिया में अपना एक नया सेटअप बना रहे हैं। तो दोस्तों जल्द ही आपको पबजी मोबाइल का एक इंडियन वर्जन देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि पबजी मोबाइल का ये जो काम है वो कब तक पूरा होगा, मतलब पबजी मोबाइल ऑफिशियली प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर कब तक आएगा। तो संभावना है कि इस साल के दिसंबर में या फिर 2021 के जनवरी तक ये गेम ऑफिशियली प्ले स्टोर पर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों ये न्यूज़ सुनकर आपको खुशी हुई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।